हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ पलाश राव और प्लेऑफ्स की दौड़ का समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्लेऑफ्स की दौड़ अभी भी बरकरार है। आईपीएल 2023 का जो है प्लेऑफ्स का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि दो टीमें क्वालिफाई हो चुकी है, जो कि गुजरात टाइटंस कुछ 4-5 दिन पहले ही क्वालिफाई कर लिया है गुजरात टाइटंस ने। और उसके बाद नंबर दो पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के बाद क्वालिफाई करने वाली वो दूसरी टीम है इस साल चेन्नई सुपर किंग। तो दो टीम तो पक्का, इनका पक्का मुकाबला रहेगा क्वालिफायर के रेस में। और उसके बाद नंबर तीन पर लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि कल 1 रन से मुकाबला जीता, और आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी कितने रनों से मुकाबले जीतती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो लगभग यदि हम देखें तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 नंबर पर अपना कब्जा बना लिया है। कल 1 रन से मुकाबला जीतने के साथ ही कोलकाता के साथ जो मुकाबला खेला गया उसके साथ 1 रन से मुकाबला जीतने के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 3 पर काबिज हो गई है। अब आज जो मुकाबला जीतेगा वो 4 नंबर पर चला जाएगा, यानी कि मुंबई और आरसीबी, इनमें से जो टीम मुकाबला जीतती है वो 4 नंबर पर पहुंच जाएगी। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमें मुकाबला हारती है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है 4 नंबर के रेस में, क्योंकि यहाँ पर यदि देखें तो आरसीबी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो नेट रन रेट है वो मुंबई इंडियंस से अच्छा है। मुंबई इंडियंस से जो नेट रन रेट में आगे चल रही है वो है आरसीबी। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट आरसीबी से थोड़ा नीचे है, तो मुंबई इंडियंस के लिए तो यहाँ पर करो या मरो का ही मुकाबला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को यदि ये मुकाबला जीतते हैं तो ही नंबर 4 पर वो जा सकते हैं। यदि मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों ही टीमें जीतती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ही जो है पहुँच सकती है नंबर 4 के स्थान पर, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जैसे कि मैंने बताया आपको नेट रन रेट शानदार है। जिस तरह उन्होंने 59 रनों पर ऑल आउट किया था राजस्थान रॉयल्स को, 63 रनों के अंदर ऑल आउट करना था राजस्थान रॉयल्स को, तभी उनका नेट रन रेट बहुत ही अच्छा हो सकता था। तो 59 रनों पर ही रॉयल चैलेंजर्स ने राजस्थान रॉयल्स को ढेर कर दिया था, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो नेट रन रेट है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है इस समय। और पिछले मुकाबले में विराट कोहली के शतक के चलते पिछला मुकाबला भी रॉयल चैलेंजर्स ने जीता था, तो इस वजह से और भी अच्छे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहुंच गई है। तो आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ होगा एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। हालांकि गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबला जीतना इतना आसान भी नहीं होगा। और एक ट्विस्ट है कि राजस्थान रॉयल्स भी 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 पर है, तो हो सकता है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी मौका बन जाए। यदि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मुंबई इंडियंस हार जाती है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को गुजरात टाइटंस एक अच्छे नेट रन रेट के साथ काफ़ी ज़्यादा अंतर से हराती है, गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को काफ़ी ज़्यादा अंतर से हराती है और मुंबई इंडियंस भी अच्छे कम से कम ज़्यादा रनों से हारती है या फिर ज़्यादा बहुत जल्दी हारती है, यदि ज़्यादा विकेटों से हारती है, मतलब जैसे कि मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी हो और फिर बाद में जो है मुंबई इंडियंस का मुकाबला जो है सनराइज़र्स हैदराबाद से है, तो सनराइज़र्स हैदराबाद कम से कम विकेट गंवाकर कम ओवरों में ही मुकाबला ख़त्म करती है सनराइज़र्स हैदराबाद,
कम ओवर खेलकर मुकाबला जीतती है तो हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए नंबर चार पर आने का मौका बन जाए। तो ये भी ट्विस्ट है। तो नंबर चार के लिए तीन टीमों की लड़ाई है। आज भले ही दो टीमें इसके लिए संघर्ष करेगी, राजस्थान मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लेकिन इसका फ़र्क जो पहुंचने वाला है वो राजस्थान पर भी पड़ सकता है। तो राजस्थान चाहेगी कि दोनों ही टीमें हारे और बहुत बड़े अंतर से हारे, यही राजस्थान रॉयल्स चाह रही होगी। तो पहला मुकाबला दोपहर को खेला जाएगा, अभी 3 बजे टॉस होगा, 3:30 बजे मुकाबला होगा शुरू। सनराइज़र हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। कल के मुकाबले की हम बात कर लेते हैं एक बार। कल जो मुकाबला हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है दोनों ओपनर की अच्छे बल्लेबाजी के चलते चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स को आसानी से हरा दिया। और उसके बाद जो दूसरा मुकाबला हुआ वो बड़ा ही रोमांचक रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए 8 विकेट पर 20 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने। उसके बाद यदि हम देखें तो 30 गेंदों में शानदार पारी खेली 58 रनों की निकोलस पूरन ने। क्वेंटन डिकॉक ने भी 27 रन बनाए। और यहाँ पर यदि देखें तो शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट चटके और वैभव अरोड़ा ने भी विकेटें निकाली। और साथ ही हम देखें तो फिर बल्लेबाजी के लिए उतरी जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो वेंकटेश अय्यर ने थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं जम सके। 28 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली 45 रनों की शानदार पारी खेली जेसन रॉय ने, लेकिन अंत में वो भी आउट हुए। रिंकू सिंह की शानदार पारी रही 67 रनों की, 33 गेंदों में 67 रन बनाए, लेकिन 1 रन से मैच हार गए। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 1 रन से मुकाबला हार गई और 1 रन मात्र दूर रह गए रिंकू सिंह भी मैच जीतवाने से। लेकिन बहुत प्रयास किया, मकसद प्रयास किया रिंकू सिंह ने, लेकिन मैच को नहीं जीतवा सके। तो कल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे रिंकू सिंह और निकोलस पूरन, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड मिला वो है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। 30 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, मैन ऑफ द मैच। तो कल का मुकाबला शानदार रहा। रवि बिश्नोई ने 2 विकेट ली और शानदार बड़ी 2 विकेट ली उन्होंने। और साथ ही साथ यदि हम देखें कृणाल पांड्या को भी एक अच्छी विकेट मिली और कृणाल पांड्या ने भी शानदार कप्तानी की। कल भी आपको याद होगा कि केएल राहुल के जगह पे कृणाल पांड्या कप्तानी कर रहे हैं। केएल राहुल इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं जिस वजह से कृणाल पांड्या टीम की कमान संभाल रहे हैं। और अब तक अच्छा हमें देखने को मिला। यश ठाकुर ने भी 2 विकेटें निकाली, शानदार 2 विकेटें उन्होंने भी ली। तो बढ़िया कल का मुकाबला रहा। आज के मुकाबले की हम बात कर लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले छः मुकाबलों में यदि हम देखें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 बार जीती हुई है, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 4 बार जीती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो दोनों ही टीमों की, मुंबई इंडियंस और हैदराबाद की टीम की बात करें तो 20 मुकाबले कुल खेले गए हैं दोनों के बीच। और 20 मुकाबलों में 11 बार मुंबई इंडियंस जीती है, 9 बार सनराइज़र हैदराबाद जीती है। पिछले 5 मुकाबले में देखें तो यहां पर भी मुंबई इंडियंस का ही पलड़ा भारी है। 3 बार मुंबई इंडियंस ने जीता और 2 मुकाबले सनराइज़र हैदराबाद ने जीते हैं। यहाँ एवरेज स्कोर की बात करें तो 197 का है, लेकिन कई ज़्यादा हाई स्कोर यहाँ पर हमें देखने को मिले। 218 रन
बनाए थे 5 विकेट पर, वो भी मुंबई इंडियंस ने ही बनाए थे। और लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 157, वो भी मुंबई इंडियंस ने ही बनाए थे 8 विकेटों पर। तो मुंबई इंडियंस के ही नाम है लो स्कोर और हाई स्कोर। तो यहाँ पर अच्छा एवरेज स्कोर भी हमें देखने को मिलता है। और पहला मुकाबला यदि छोड़ दी जाए तो यहाँ पर उसके बाद हमें देखने को मिले हैं 185, 214, 210 ऐसे बड़े बड़े हाई स्कोरर मुकाबले हमें देखने को मिले हैं, 218 भी जैसे कि मैंने कहा। तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिले कई सारे ज़्यादा, 157 का यदि छोड़ दिया जाए तो बड़े बड़े हाई स्कोरिंग मुकाबले हमें देखने को मिले हैं। पिच की बात करें तो पिच बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर विकेटों की बात करें, गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो 69 विकेट गेंदबाजों ने छटके हैं, जिसमें से 38 विकेट पेसर्स ने निकाले, तो 31 विकेट यहाँ पर स्पिनर के नाम भी है। तो ऐसा नहीं कि स्पिनर को मदद नहीं है, स्पिनर को भी खासी अच्छी मदद है इस पिच में। तो आपके पास स्पिन और तेज़ गेंदबाजों की जो विकल्प है आपके पास, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। आप आराम से गेंदबाजी का जो विकल्प आपके पास उपलब्ध है तो आराम से आप मुकाबले में आगे हैं, तो आराम से इस मुकाबले को आप जीत सकते हैं। लेकिन आपको ठीक उस प्रकार गेंदबाजी करनी होगी। तो आज के मुकाबले में जो भी टॉस जीतेगा, शायद मुझे लगता है पहले बल्लेबाजी करना चुनेगा, क्योंकि दोपहर का मुकाबला है। तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम तो बनते ही है, तो हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है आज भी। पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे टॉस जीतकर। दूसरा मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, वहाँ पर भी गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस अवे मुकाबले कई सारे जीते हुए हैं। अवे मुकाबले में उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। भाई आप अवे मुकाबले ही जीतते हैं तो आप घर पे तो अवश्य जीत सकते हैं। तो आज तो अवे मुकाबला है बोलना, वैसे बात की जाए तो गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन इस साल भी लाजवाब रहा है, ठीक पिछले साल की तरह। जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था वहीं से उन्होंने शुरू भी किया है, और इस साल भी उम्मीद है कि इस साल भी अच्छा फिनिश करने में कामयाब होगी गुजरात टाइटंस। तो आरसीबी के लिए भी ये मुकाबला बड़ा ही अहम हो जाता है कि यदि हार भी जाते हैं तो कम रनों से हारे, और यदि जीतना भी बहुत ज़रूरी है। यदि जीतती है तो एक अच्छे रनों से जीते ज़रूर। तो यहाँ पर जीतना सबसे महत्वपूर्ण है आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के घर पे मुकाबला है, हालांकि घर पे जितना रिकॉर्ड अच्छा चाहिए उतना है नहीं। आरसीबी की बात करें, यहाँ पर दिनेश कार्तिक फॉर्म में नहीं है, आज अनुज रावत खेलते हुए नज़र आएंगे ज़रूर। तो अनुज रावत अच्छे थोड़े लय में नज़र आ रहे हैं, विराट कोहली का फॉर्म बरकरार है, शानदार अंदाज में खेल रहे हैं। फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली, ये दोनों की जोड़ी बहुत ही अहम साबित हो रही है जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। और ग्लेन मैक्सवेल अभी भी तीसरे नंबर का जो विकल्प है वो उतना मिला नहीं है। रजत पाटीदार पिछले साल तीसरे नंबर की भूमिका निभा रहे थे, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे, लेकिन इस साल रजत पाटीदार उपलब्ध नहीं है, उन्हें चोट आई जिसके चलते रजत पाटीदार उपलब्ध नहीं है। तो तीसरे नंबर का स्थान अभी भी खोज रही है, इतने सारे मुकाबले हो चुके हैं लेकिन तीसरे नंबर का स्थान अभी भी मिला नहीं है। तीसरे नंबर पर किस बल्लेबाजों को भेजा जाए वो समझ नहीं आ रहा। तो शाहबाज अहमद और मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल अच्छे अच्छे विकल्प हैं इनके पास गेंदबाजी के लिए भी। तो जॉस हेजलवुड ये भी एक अच्छे विकल्प है। तो क्या आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत पाएगी गुजरात टाइटंस के साथ, क्योंकि सामने रशीद खान हो गए, नूर अहमद हो गए। क्या गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर चुकी है 18 अंकों के साथ, तो क्या गुजरात टाइटंस अपने सीनियर्स
गेंदबाजों और बल्लेबाजों को क्या आराम देना चाहेगी या नहीं, जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें बेंच पर बैठाना चाहेगी या फिर कंटिन्यू ही खिलाना चाहती है गुजरात टाइटंस, ये देखने वाली बात होगी। शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में है, रिद्धिमान साहा अच्छे फॉर्म में है, साय सुदर्शन को जब भी मौका मिलता है वो भी अपना फॉर्म दिखाते हैं, साय सुदर्शन अच्छे फॉर्म में, हार्दिक पांड्या, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर सभी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अभिनव मनोहर हो या फिर राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, अलजारी जोसेफ, मोहित शर्मा सभी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो क्या किसे आज चांस देना चाहेगी गुजरात टाइटंस, देखने वाली बात होगी। और किससे निपटना चाहेगी, किससे किस प्रकार निपटती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये देखने वाली बात होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए ये मुकाबला जीतना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो देखना होगा आज का मुकाबला किस प्रकार होता है। दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, तो देखना ना भूलिए। आज के दोनों ही मुकाबले, दोनों ही बड़े मुकाबले मिस मत कीजिए और देखिए ज़रूर। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें। 600 सब्सक्राइबर तो पूरे हो चुके हैं हमारे, नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें, और भी अब हम 700 की उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास, तो 700 सब्सक्राइबर तक हमें ज़रूर पहुँचाइए। ब्लाइंड क्रिकेट के भी लगातार अपडेट्स आपको मिल रही है, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।